हेलो फ्रेंड्स, अपने प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं आईआईटी जेई। जी हाँ दोस्तों, क्लास टेंथ के सभी बच्चों के लिए अनअकैडमी लेके आया है क्लास टेंथ बूट कैंप। जो बच्चे क्लास टेंथ में हैं और 2023 में आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन सभी के लिए अनअकैडमी लेके आया है कुछ स्पेशल। और वो स्पेशल क्या है, 6 दिन तक कुल मिला के 30 सेशंस होंगे, जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको सारी स्ट्रेटेजीज बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे जो आईआईटी जेई करने वाले किसी एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, और कुल मिला के ये 6 दिन के सेशन जब कंप्लीट होंगे, उसके बाद 19th को आपका एक स्कॉलरशिप का एग्जाम होगा। जो बच्चे उस एग्जाम में टॉप करेंगे, शुरू के जो 3 बच्चे इस एग्जाम में जो टॉप करेंगे, उन सभी बच्चों को अनअकैडमी का आईआईटी जेई का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। साथ ही में जो आगे के बच्चे, मतलब कि रैंक फोर्थ से लेकर के 20 रैंक तक के जो बच्चे होंगे, उनको 10,000 रुपीज का अमेजोन का वाउचर मिलेगा। और 21 से लेकर 50 रैंक तक के जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को 3,000 का वाउचर मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, हर दिन आपके लिए अलग अलग सेशंस रखे गए हैं, अलग अलग जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। इंडिया के जितने टॉप एडुकेटर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, सभी सर पढ़ा रहे हैं। मतलब सभी लोग जो अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग सब्जेक्ट के जो टॉप टीचर्स हैं, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हैं, वो यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप जाके उनकी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस पूरी तरह से फ्री है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं और आप ऐप से भी एनरोल कर सकते हैं। आपको करना ये होगा कि जब आप इस कैटेगरी में जाएंगे तो वहां पर आपको एक कोड डालना होगा, आपको कोड डालना होगा पवन वाक, मतलब अनलॉक कोड होगा वो। वो कोड डालते ही आप उस सेशन को फ्री में देख पाओगे। दोस्तों 6 दिन का सेशन है, जाके देखिए, सारा कुछ फ्री है, कोई आपको पैसा देना नहीं है। जाके देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से बता रहा है, किस तरह से सिखा रहा है, और डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डेफिनेटली पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे स्टूडेंट्स, अपनी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है अच्छे चल रही होगी कंटिन्यूस। सो कंटिन्यू करते हैं क्लास टेंथ का जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1, राइट। आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो हम लोगों ने पार्ट 1 स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है या जितने भी न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी को क्यों और कैसे रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखिए एटीपी वाला पार्ट कंप्लीट किया था, और एटीपी में हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज देखी थी वो ये थी कि जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू क्या है, अटैच होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर वही चीज दिखाई गई है। देखिए जब हमारी बॉडी में एटीपी क्या है, फुल एनर्जी कंटेंट है, ये साइन होता है फुल एनर्जी कंटेंट का, ग्रीन कलर का, लाइक दैट। तो दैट मीन दैट इज फुल एनर्जी कंटेंट, जिसमें एडेनाइन फॉस्फेट बॉन्ड्स विद मोर एनर्जी, यही है कि जो फॉस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट है विद मोर एनर्जी। अब यही एनर्जी को क्या है, हम लोग यूज करेंगे अपनी डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, रनिंग, टॉकिंग, राइटिंग, बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये धीरे धीरे करके जो एटीपी है ये लो एनर्जी कंटेंट में कन्वर्ट होती चली जाएगी, यानी कि एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनाइन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। तो उसमें होता क्या है कि जो हमारा एक एनर्जी फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, जो हमारा एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट से ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ फॉस्फेट के 3 ग्रुप अटैच थे, यहाँ पर एक ग्रुप क्या है, ब्रेक हो गया। और यहाँ पे जो एक ग्रुप ब्रेक हुआ है उससे जो एनर्जी रिलीज हुई है, वो एनर्जी हम लोगों ने यूज कर ली, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ 2 फॉस्फेट बचे, जो कि हमारा लो एनर्जी कंटेंट कहा जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दो जो तीनों के तीनों फॉस्फेट ग्रुप यूज हो जाएंगे, जब दो तीनों ही फॉस्फेट ग्रुप यूज हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में तो कुछ नहीं बचेगा, उतना ब्लैंक बॉक्स लाइक दैट, फिर उसका कुछ काम ही नहीं है ना। तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा लाइक दैट, जैसे फोन में अगर इतनी सी भी नहीं रहने देंगे, अगर ये रेड लाइन आने के बाद भी चार्जिंग नहीं लगाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, इट विल डाई। सो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो 3 बॉन्ड होते हैं फॉस्फेट के, इसमें से एक ब्रेक हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम यूज कर लेते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे एडीपी, यानी कि लो एनर्जी कंटेंट एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में।
If there is insufficient amount of carbohydrates in body due to exceptional conditions like fasting and hunger, then lipids and proteins are used for energy production. देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स के अगर हम कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हैं, बट कभी कभी एक्सेप्शनल केस भी आ जाते हैं. किसी का फास्ट है, पूरे दिन फास्ट रख लेते हैं. हंगर, हंगर का मतलब होता है कि आप सुबह से काम में लगे पड़े हैं, खाना खाने का टाइम नहीं हो पाया. कहते ना कि मैं बहुत सुबह से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया खाना खाने का. एक्सेप्शनल केस है, तो इस केस में स्टिल आपको एनर्जी मिल रही है. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही लेट गए, बेहोश हो गए, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है. स्टिल आप लोग खड़े हाथ की इतनी ज्यादा एनर्जी आप में नहीं है, लेकिन है, स्टिल है, आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है इतना. तो वो जो एनर्जी मिलती है वो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलती है, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर होते हैं लिवर और मसल्स में. एंड इन केस ऑफ लिपिड दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स, वेयर एज प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लिपिड्स के केस में लिपिड्स हमारे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड्स में. फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल सीओए एंड एनर्जी इज ऑब्टेन थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल सीओए बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया. देखिए उसके बाद क्या था, जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज एसिटाइल सीओ में हो रहा था, फिर सीओ की पूरी क्रेब्स साइकिल हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में. यहाँ भी सेम चीज है कि जो फैटी एसिड्स हैं अमीनो एसिड, जैसे ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल सीओ में, बस यहाँ पर ग्लूकोज की जगह क्या आ गया है, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स आ गए हैं, जो कि एसिटाइल सीओ में कन्वर्ट हो रहे हैं. एसिटाइल सीओ ऑक्सीडेशन कर रहा है क्रेब्स साइकिल के थ्रू, और किसके अंदर कर रहा है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कर रहा है, जो कि हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है. यहाँ पे सर हैंस क्रैब साइंटिस्ट है. द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय थ्री साइंटिस्ट. ये जब ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस पढ़ते हैं ना, इनको तीन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, गस्टेव गस्टेव एम्पटन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जेकॉब रेनार्ड्स अलॉन्ग विद देयर कलीग्स. मतलब तीन साइंटिस्ट तो थे ही थे, कलीग्स भी थे. कलीग्स होते ही बिना कलीग्स के तो कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता. एंड फॉर दिस पर्पस दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन मसल्स. इसके अलावा मतलब इन्होंने जो क्रैब साइकिल थी वो तो ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करी, डिस्कवर्ड करी, ठीक है. इसके अलावा जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो मसल्स के सेल्स पर किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में मसल्स के सेल्स वर्क करते हैं. हेंस ग्लाइकोलिसिस आल्सो कॉल्ड एज एम्प्टन मेयरहॉफ पेरनास पाथवे, ईएमपी पाथवे. इसलिए आप लोग पढ़ते हो ना ईएमपी पाथवे. व्हाट इज ईएमपी पाथवे? नथिंग. द थ्री नेम ऑफ साइंटिस्ट एम्प्टन मेयरहॉफ एंड परनास, ईएमपी पाथवे. द साइक्लिक रिएक्शन ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वर डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रैब. उसके बाद आपका जो साइक्लिक रिएक्शन में एक स्टेप आता है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आती है, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे सर हैंस क्रैब. इसीलिए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को हम लोग क्रैब साइकिल कहते हैं. मतलब कोई भी प्रोसेस हो, कुछ भी हो, उनके साइंटिस्ट के नाम के सरनेम या स्टार्टिंग नेम से क्या है, कनेक्ट कर दी जाती है बस. एंड ही हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1953 फॉर दिस डिस्कवरी. और उनको इस डिस्कवरी के लिए 1953 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था. अब यहाँ पे देखिए आपको चार्ट नजर आ रहा है. यहाँ पे देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पे लिखा है एन एरोबिक रेस्पिरेशन. हाँ ठीक है. देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, लिपिड्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस परफॉर्म कर रहा था और पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बना रहा था, प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड्स की प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे थे, यही हो रहा था. अब यहाँ पे जो फैटी एसिड्स हैं वो भी एसिटाइल सीओ में कन्वर्ट हो रहे हैं, पाइरुविक एसिड भी एसिटाइल सीओ में कन्वर्ट हो रहा है, अमीनो एसिड भी आपके सीओ एसिटाइल सीओ में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर एसिटाइल हमारा क्रैब साइकिल को परफॉर्म कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी को रिलीज कर रहा है. मतलब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस कितना है कि कार्बोहाइड्रेट पाइरुविक एसिड है, लिपिड्स फैटी एसिड्स है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स है, लेकिन तीनों फोर ये हमारे बिल्कुल सेम वाले जॉइंट है. ये होती है एरोबिक.
यही हम एनएरोबिक में बात करें, एनएरोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में देखिए, ग्लूकोज ग्लूकोज तो होगा ही, क्योंकि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, खाना तो खाएगा ना, और जब खाना खाएगा तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज है। ठीक, ग्लूकोज ने ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस करी साइटोप्लाज्म के अंदर। ये एनएरोबिक कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, ग्लाइकोलाइसिस ने क्या किया, सॉरी, ग्लूकोज ने क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को परफॉर्म किया साइटोप्लाज्म के अंदर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि वन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पाइरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं? टू। ये रहे फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, ये रहा पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड लीजिएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो जाती है, पाइरुविक एसिड में दो कंडीशन हो जाती है, अलग अलग उसमें होती है। अगर हम लोग ईस्ट में बात करें, ये है हमारे मसल सेल्स है। पहले हम लोग ईस्ट में बात कर लेते हैं, जो हमारा फंगस होती है। फंगस, पहले हम लोग इस वाले पे बात करते हैं। ईस्ट में जो कि फंगस है, इसमें ग्लूकोज आया, ग्लूकोज ने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को परफॉर्म किया और यहाँ पे पाइरुविक एसिड बन गया। पाइरुविक एसिड फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है और प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पर? एल्कोहल। और ये प्रोसेस किसके अंदर होती है? ईस्ट के अंदर होती है। यही हम लोग माइक्रोब्स की बात करें, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं ना, राइट? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई, ग्लाइकोलिसिस में क्या है? पाइरुविक एसिड बना। पाइरुविक एसिड ने फर्मेंटेशन की प्रोसेस करी और इसमें विनेगर और विटामिन्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। डिपेंड करता है माइक्रोब कौन सा है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से है। यही हम लोग मसल सेल्स की बात करते हैं, इराइथ्रोसाइट्स मसल सेल्स, यानी कि जो हमारे बॉडी में होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग कहीं बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो हम लोग थक जाते हैं, हमारी सांस ऊपर नीचे हाफ जाते हैं, हिंदी में बात करें हाफ जाते हैं ना, एक तरफ से क्या होता है, सांस की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, हम जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं इस तरीके से, लाइक दैट करते हैं कि नहीं करते। तो एक्चुअली में होता क्या है, हमारे मसल्स में ऑक्सीजन लैक हो जाती है बहुत ज्यादा। जब हम लोग रनिंग करके आ रहे हैं, कोई योगा करके आ रहे हैं, हम लोग जिम करके आ रहे हैं, या फिर कोई हमने घर में ही कोई काम किया, कुछ भी किया है, इस कंडीशन में जो हमारे मसल्स होते हैं हाथ के और पैरों के, इसमें ऑक्सीजन लैक हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो इसलिए मसल सेल्स में ये जो रेस्पिरेशन है, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन मानी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। इस कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारे ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस करते हैं, ग्लाइकोलिसिस से हमारा पाइरुविक एसिड बनता है, पाइरुविक एसिड फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है, फर्मेंटेशन से बनता है हमारे बॉडी मसल्स में लैक्टिक एसिड, और ये पूरी प्रोसेस होती है मसल्स के सेल्स में। और कभी कभी जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है तो क्रैम्प पड़ जाते हैं, सुना है ना, क्रैम्प हो गया, चल नहीं पा रहे हाथ में या फिर पैरों में, ज्यादा पैरों में, लेग्स में ज्यादा होता है, क्रैम्प पड़ जाना लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से होता है। एक्चुअली में होता क्या है, मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाती हूँ आप लोगों को। जैसे ये क्या नाम है, जैसे हमारा कोई लैग है, मैंने ऐसी बना दी है, यहाँ पर बहुत सारी जो ब्लड वेजल्स हैं रनिंग में जा रही है हमारे लेग्स में। अब यहाँ पर हम लोग कोई एक्सरसाइज कर किया है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हमारे जो लेग्स में जो मसल सेल्स थे उनमें ऑक्सीजन का लैक हो गया। अब लेकिन हमारी सेल्स को तो एनर्जी चाहिए पर अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन है नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस, पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड से फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड, यानी कि इतने बीच के मसल सेल्स में हमारा कौन सा प्रोडक्ट बना? लैक्टिक एसिड बना। लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल जो होते हैं थोड़े से हार्डर, स्टिकी, लार्ज होते हैं, जो कभी कभी क्या है, यहाँ पर बिल्कुल ही कहते हैं कि ग्रुप बना लेते हैं लैक्टिक एसिड के, बिल्कुल यूं स्टिक हो जाते हैं यहाँ हमारे मसल सेल्स, यहाँ पर इस तरीके से जो प्रोडक्ट है पूरे पूरे मसल सेल्स में फैल जाना चाहिए ना, वो फैलने की जगह क्या हो जाता है कि वो एक ही जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे स्टिक सा हो जाता है, खट्टा सा हो जाता है, का बॉन्ड एक ग्रुप बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे लेग्स में जो ब्लड वेजल्स आ रही है, आनी चाहिए पूरे इतने में, लेकिन इतने में तो हमारे जो लैक्टिक एसिड था वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, एक ग्रुप बना दिया है, तो हमारी जो ब्लड वेजल्स है तो यहाँ पे जो ब्लड वेजल्स में जो ब्लड जाना चाहिए वो प्रॉपरली हमारे लेग्स में नहीं आता।
जहाँ कहीं भी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होगी, जिसे हम लोग इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते थे, क्रैम्प कह देते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को दवाई लेनी पड़ती है, स्प्रे लगाने पड़ते हैं, वो गर्म पानी की बट्टी की सिकाई करनी पड़ती है, बर्फ करके गर्म पानी से बहुत सारी चीजें करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा पिघलते हैं, एक तरीके से थिक की जगह थोड़ा सा फ्लूड फॉर्म में आते हैं, एंड देन ऑल ओवर जो मसल्स में फैल जाने चाहिए, स्प्रेड होने चाहिए, वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और दोबारा से जो ब्लड की सप्लाई है पूरे लेग्स में प्रॉपरली होने लगती है, और जो क्रैम्प है हम कह देते हैं ठीक हो गया। ये होती है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ईस्ट माइक्रोब्स और मसल सेल्स में अलग। नाउ द एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम लोगों ने से एनएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था, अभी थोड़ा सा इसको समरी में पढ़ लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लाइक मैनी बैक्टीरिया। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रह ही नहीं सकते, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं, एंड सच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज टू परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और इसीलिए इन लोगों को रेस्पिरेशन के लिए या फिर सॉरी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ती है, एनएरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो। ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन आर द टू स्टेप्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने क्या देखा था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन से मेन स्टेप थे, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, जब हम लोगों ने एरोबिक पढ़ा था तो एरोबिक में पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा था ग्लूकोज का, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, लेकिन एनएरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है ही नहीं, तो क्या ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। और जब ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो जो एनर्जी है वो भी सिर्फ 2 ATP रिलीज होती है, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल, और एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होती है 38 ATP मॉलिक्यूल, क्योंकि वहां पे पूरी तरीके से ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा था, यहाँ पे इनकम्प्लीट हो रहा है, तो एनर्जी भी क्या है, लेस अमाउंट में रिलीज होती है। पाइरूविक एसिड प्रोड्यूस्ड थ्रू ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड्स और एल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स इन दिस प्रोसेस। तो एनएरोबिक में क्या होता है, पहले ग्लाइकोलाइसिस से पाइरूविक एसिड बनता है, फिर पाइरूविक एसिड हमारा एल्कोहल, लैक्टिक एसिड या फिर अदर विटामिन एंजाइम्स में क्या हो जाता है, मतलब फाइनल अपना प्रोडक्ट या फिर कोई भी जो भी है एसिड वगैरह बना लेता है। दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन है। सम हायर प्लांट्स एनिमल्स एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टीड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ देयर इज डिप्लेशन इन ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग। कभी कभी बहुत सारे हायर प्लांट्स एनिमल्स और एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की परफॉर्म करती हैं। क्यों? देखिए, एनिमल्स में तो देख ही लिया, मसल्स में, अगर उनके मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं जा पा रही है, एनएरोबिक परफॉर्म करेंगे। सेम एज इट इज हायर प्लांट और कुछ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होगा कि वो जिस जगह पे प्रेजेंस है वहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, डिमांड उसकी पूरी नहीं है, तो उनको मजबूरी में आके कौन सी प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। एग्जाम्पल, सीड्स परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जैसे सीड्स होते हैं, हम लोग उसको सॉइल में गाड़ देते हैं, नीचे सोन कर देते हैं, क्या होता है वहां पर, अगर हम लोग ज्यादा पानी दे देते हैं तो ज्यादा पानी की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है सॉइल में और सीड्स के आसपास, सीड्स को मजबूरी में आके एनएरोबिक रेस्पिरेशन की परफॉर्म करनी पड़ती है। कभी कभी तो सीड्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो पा रही ना जो सीड्स को जर्मिनेट कर सके, सीड्स की डेथ हो जाती है। हम लोग कहते हैं भाई सीड उगाएंगे, भाई पानी ज्यादा दे दोगे ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो गएगा कहाँ से। सिमिलरली आर मसल सेल्स ऑल्सो परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन बाय परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। जैसे हमारे बॉडी के मसल सेल्स होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम, योगा, रनिंग एंड एवरीथिंग कुछ भी है, उस टाइमिंग पर
ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हमारे मसल सेल्स को और फिर कौन सी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, एनएरोबिक। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स ड्यू टू विच वी फील टायर्ड। इस कंडीशन में देखिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो तो कम होगी, कितनी, सिर्फ 2 ATP, राइट। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड हो रहा है जिसकी वजह से हम लोगों को फिर टायर्ड फील होता रहता है, थकान महसूस होती है, जब तक कि दोबारा से हमारी बॉडी में ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर देता। इसीलिए तो फिर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या फिर कुछ भी मतलब वो सारी चीजें खाते हैं, वो फूड स्टफ्स खाते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की प्रोसेस करता है, फिर ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, देन हमें फिर 38 ATP एनर्जी मिलती है, देन वी फील एनर्जेटिक। नाउ द एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। एक्सेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा 9th में कि हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी को जितनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी उतना यूज कर लेती है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। बाकी का जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी के लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। जैसे प्लांट में होता है ना कि प्लांट्स में जितना ग्लूकोज रिक्वायरमेंट था प्लांट्स ने उतना यूज कर लिया, बाकी जो बच गया स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स में, लीव्स में, रूट्स में, स्टेम्स में स्टोर हो जाता है प्लांट्स की। सेम एज इट इज हमारी बॉडी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी के लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। प्रोटीन्स आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर ऑफ मेनी अमीनो एसिड। देखिए सोर्स की बात करें तो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स होते हैं। बेस्ट सोर्स होता है हमारा सोयाबीन, सोयाबीन हुआ, पल्सेस यानी कि दालें हुई, दूध हुआ, तो प्रोटीन के सोर्सेस तो बहुत सारे हैं। अब रही बात कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, प्रोटीन हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जो कि बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके किसमें कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, पढ़ाई आप लोगों ने 9th में। प्रोटीन इन आवर बॉडी व्हेन डाइजेस्टेड इट इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। दैट मीन कि प्रोटीन एक हमारा एक मॉलिक्यूल है और ये कौन से एटम से बना है, थोड़ा केमिस्ट्री, अमीनो एसिड से। प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। इस प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन यानी कि अगर किसी एनिमल की बॉडी में प्रोटीन ओरिजिन हो रहा है ना, बन रहा है, उसे हम लोग फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं, मतलब एकदम बढ़िया वाला। ये लोग मीट वगैरह खाते हैं ना तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है, इसलिए कहते हैं कि सर्दियों में मीट खाओ, ये खाओ, ठीक है, हम लोग पसंद नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन जो मॉमडम्स हैं वो खाते हैं। वी एड 4 किलो एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन पे कितनी एनर्जी मिलेगी हमें, 4 किलो कैलोरी। अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और जब हमारे बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है देन हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस्ड होते हैं, ऑब्टेन होता है अमीनो एसिड्स, एंड दीज अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल विया ब्लड। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं जो कि आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड हुए हैं ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन ब्लड सेल में क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। एंड फ्रॉम दीज अमीनो एसिड्स ऑर्गन्स एंड सेल्स प्रोड्यूस्ड वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर देम सेल एंड द होल बॉडी। और इसी अमीनो एसिड्स का यूज करके जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं और डिफरेंट प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स बोन्स में बात करें तो ओसिन, हम लोग हमारी बॉडी में स्किन मेलानाइन और केराटिन, स्किन में हमारे मेलानाइन और केराटिन की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे लिखा था ना कि अमीनो एसिड्स डिफरेंस ऑर्गन्स और सेल्स में जाते हैं और वही ऑर्गन और सेल्स उस अमीनो एसिड से डिफरेंट प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं,
तो जब अमीनो एसिड हमारे बोन्स में गए तो बोन्स ने कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस कर दिया? पोसिन, जो बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आई मीन जो सेल के लिए हेल्पफुल है। यही अगर अमीनो एसिड हमारे स्किन सेल्स में एंटर होता है तो स्किन उस अमीनो एसिड का यूज करके कौन से प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं? मेलानाइन एंड केराटिन। मेलानाइन जो कि हमारी स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर ये मेलानाइन पिगमेंट आई मीन जो से प्रोटीन हमारी स्किन में ज्यादा रिलीज होता है, दैट मीन हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाएगा। और हमारी स्किन में ये मेलानाइन प्रोटीन कम कंसेंट्रेशन में रिलीज होता है, एकदम सफेद लोग देखे ना बिल्कुल गोरे, वही। यही हम लोग केराटिन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग केराटिन की बात करते हैं। केराटिन कहा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, सही भी है। और हेयर्स हमारे स्किन से ही अटैच होते हैं, हेड की स्किन से। तो अगर हमारी हेयर की स्किन में केराटिन अच्छा खासा प्रोड्यूस्ड हो रहा है, हेयर लॉस कभी नहीं हो सकता, राइट। एक शैम्पू का एड भी आता है आप लोगों की, आप लोगों ने देखा होगा केराटिन शैम्पू, वो यही है। अमीनो एसिड्स ब्लड में बात करें तो हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। मसल सेल्स में एक्टिन मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज में इंसुलिन और ट्रिप्सिन प्रोड्यूस करता है। सेल्स में बात करें तो सेल वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारे एंजाइम्स। पिट्यूटरी ग्लैंड बात करें तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो सब अमीनो एसिड्स यानी कि वैसे प्रोटीन रिलीज होते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, देखिए, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, दे आर ब्रोकन डाउन एंड द अमोनिया फॉर्म्ड इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में कभी भी प्रोटीन स्टोर नहीं होते हैं कि हमने बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लिया, मतलब हमें 2 अंडे खाने चाहिए थे, मैंने 4 खा लिए या 10 खा लिए, तो मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोटीन हो गया, मैं बहुत अच्छे से ग्रो करूंगा, राइट। दैट्स नॉट, हमारी बॉडी को एक दिन में जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना उतना ही रहता है, बाकी की जो प्रोटीन है ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने के बाद प्रोटीन कौन से प्रोडक्ट को फॉर्म करता है? अमोनिया को फॉर्म करता है, और अमोनिया हमारे यूरिन के साथ आउट ऑफ द बॉडी हो जाता है। इफ नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोसिनेसिस। लेकिन कभी कभी ये भी कंडीशन हो जाती है कि हमारी बॉडी को एक्सेस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आप बीमार हो या फिर आपकी बॉडी की ग्रो कर रही है प्रेगनेंसी में, राइट। तो प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई, तो प्रोटीन अब क्या है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में तो रह नहीं सकता हमारी बॉडी में, तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारे ग्लूकोज के साथ मिलके ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस करता है एंड देन कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट्स प्रोड्यूसेस द नेसेसरी अमीनो एसिड्स फ्रॉम मिनरल्स डेनेवो। प्लांट्स अमीनो एसिड्स कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? सॉइल में मिनरल प्रेजेंट होता है डेनेवो, एंड देयर बाय प्रोड्यूस्ड डिफरेंट प्रोटीन। और उस डेनेवो मिनरल का यूज करके प्लांट्स डिफरेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। एन एंजाइम रिबिस्को प्रेजेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर। एक एंजाइम होता है रिबिस्को प्रेजेंट इन प्लांट क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट सेल होते हैं इसके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, ये एंजाइम रिबिस्को उसी क्लोरोप्लास्ट सेल में पाया जाता है। ये एक तरीके का प्रोटीन होता है और नेचर में सबसे ज्यादा एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब होता है हायर कंसेंट्रेशन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है नेचर में वो यही है जो कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है। यही हम लोग अब बात करते हैं लिपिड्स की। वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स? द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड्स। क्योंकि लिपिड्स हम लोग पढ़ तो लेते हैं कि फैट्स हैं, फैट्स हैं, फैट्स हैं। लिपिड्स इज नॉट अ परफेक्टली फैट। एक्चुअली जो हमारे फैटी एसिड्स और एल्कोहल के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनता है, राइट, अमीनो फैटी एसिड्स और एल्कोहल केमिकल बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बॉन्ड हो गए, राइट। बॉन्ड होने के बाद इनसे जो सब्सटेंस बनता है उसे हम बोलते हैं लिपिड्स। आप फैटी एसिड्स को लीजिए, एल्कोहल ले लीजिए, बॉन्ड कर दीजिए, बॉन्डिंग कर दीजिए, बॉन्डिंग करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट भी बनेगा, इट इज कॉल्ड लिपिड्स। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कंज्यूम्ड बाय अस इज नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल। और जो हम लोग लिपिड्स खाते भी है ना किसी भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स के थ्रू, तो वो भी हमारी बॉडी में
ब्रेक डाउन हो जाता है और फैटी एसिड्स और एल्कोहल प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि है तो फैटी एसिड्स और एल्कोहल का बॉन्ड ही ना वो। फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी ईयर विद इन द बॉडी। फैटी एसिड्स हमारी ऑल ओवर द बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं एवरी सेल, ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एवरी। एंड फ्रॉम दोस फैटी एसिड्स डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस्ड वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी टू देम सेल्स, और उन्हीं फैटी एसिड्स का यूज करके जो डिफरेंट सेल्स हैं, ऑर्गेन्स हैं, अपने लिए नेसेसरी सब्सटेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे प्रोटीन से हो रहे थे। एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड। आप लोगों को पता ही है सेल के ऊपर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड कहाँ से आया? जो फैटी एसिड्स हमारे सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हुए थे उन्हीं सेल्स ने उस फैटी एसिड्स का यूज करके कौन से लिपिड्स को बना दिया? फॉस्फोलिपिड्स को। और ये फॉस्फोलिपिड्स क्या कर देते हैं? फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। एंड बिसाइड्स फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन एटसेट्रा एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल आल्सो। एंड देन ये जो हमारे फैटी एसिड्स हैं, ये जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, इनको प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और जो हमारी नर्व सेल होती है, नर्व सेल्स में एक्सॉन वाला पार्ट होता है, वही एक्सॉन की जो कवरिंग होती है माइलिन शीथ, पढ़ा था आप लोगों ने 9th में। एक्सोन की कवरिंग कौन सी होती है? माइलिन शीथ होती है। वो भी किससे बनी होती है? हमारे फैटी एसिड से। वी गेट 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स। 1 ग्राम लिपिड्स खाने से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? 9 किलो कैलोरी। एंड एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। आप लोगों ने क्लास 9th में टिश्यूज पढ़े थे, जिसमें से एक टिश्यू पढ़ा होगा आप लोगों ने, कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये स्पेशली हमारी बॉडी में लिपिड्स को स्टोर करने के लिए रहता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इस एडिपोज टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं है सिवाय इसके कि जो हमारी बॉडी में एक्सेस में जो लिपिड्स चले जाते हैं, ये लिपिड्स एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने ये 9th में भी पढ़ाया हुआ है टिश्यू वाले पार्ट में। आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग 9th वाला जो टिश्यू वाला पार्ट है देख सकते हैं। इसीलिए जब हमारे जब जो पोलर बियर्स होते हैं, पोलर बियर्स को ठंड नहीं लगती, क्योंकि उनमें जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना बहुत ही थिक होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में एक्सेस लिपिड की पूरी लेयर मोटी वाली थिक वाली एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहती है। और हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, या फिर सर्दियों में इतनी ठंड नहीं लगती अगर हम गर्म कपड़े पहन ले तो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एडिपोज कनेक्टेड टिश्यूज हैं जिसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट हैं, एनर्जी दे रहे हैं और हमारी बॉडी को ठंड से या किसी भी उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आपका प्रोटीन और विटामिन वाला आ जाएगा, लेकिन उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो से आएंगे। यहाँ तक हम लोगों ने फैटी एसिड्स कर लिया, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।